एमए हम लोग माचिस के डंडी से अलग अलग प्रकार का आकार बनाई जा। एकरे खातिर आपका साइकिल का वॉल्व ट्यूब रबर लगी, माचिस का कांडी लगी, सुई लगी, कटर लगी और कैंची लगी। सबसे पहले माचिस का कांडी ले लें और ब्लेड से ऊपर का सल्फर छाट दें और दोनों छोर हल्का सा बारीक कर लें ताकि ये अपने वॉल्व ट्यूब के अंदर घुस सके। आप लोग देख सकें नीचे कहते रहे। अब साइकिल का वॉल्व ट्यूब लेके उनमें से 2 सेंटीमीटर का हिस्सा काटल चालू कर दें। ये वॉल्व ट्यूब वहाँ मिलेला जहाँ से हम लोग साइकिल के टायर में हवा भरे नहीं जा। एक गो वॉल्व ट्यूब लेके दोनों छोर में से एक एक गो माचिस का डंठी ओकरे अंदर डाल लें ताकि वो अच्छा से लग सके। आप लोग देख सकें नीचे कहते रहे। ऐसे अब हम लोग एक्यूट एंगल, 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बना सके नीचे। अब 3 गो माचिस का कांडी, 3 गो वॉल ट्यूब लेके ओके एक दूसरे में जोड़ लें। पहले एक गो सीधा लाइन में जोड़ लें। आप लोग देख सके नीचे कहते रहे। ऐसा जोड़ ले के बाद अपने के एक छोर पे माचिस का कांडी और दूसरे छोर पे वॉल ट्यूब दिखी। अब माचिस का छोर वाला कांडी माचिस का छोर वाला ट्यूब के अंदर डाल लें। ऐसा कहले से अपने के एगो त्रिकोण मिली। यही तरह आप लोग चौकोन, पंचभुज, षटभुज बना सके नीचा, रेक्टेंगल भी बना सके नीचा। षटभुज से तो आप लोग अलग अलग प्रकार का आकार भी बना सके नीचा। पंचभुज से आप लोग ट्रेपेजियम बना सके नीचा, तारा बना सके नीचा, त्रिकोण बना सके नीचा, आप लोग देख सके नीचा। चौकोन से आप लोग चतुर्भुज या सम चतुर्भुज भी बना सके नीचा। आप लोग देख सके नीचा अलग अलग प्रकार का आकार हम लोग बना दें जा। लेकिन यही तरह अगर हम लोग त्रिकोण के मोड़े को कोशिश करें जा तो हम लोग कितना ताकत लगा लें त्रिकोण के, हम लोग जल्दी ना मोड़ सके नीचा। कहा कि त्रिकोण बहुते मजबूत आकार हवे। इस ये हम लोग बच्चन के इतने सिखा भी सके नीचा कि त्रिकोण बहुत मजबूत आकार रहेला। एकरे बाद 2 गो डंठी वाला जोड़ के ट्यूब में आप लोग सुई से एगो छेदा मार लें, पूरा सुई निकाल लें ये छेदा बनाए खातिर। और फिर उस छेदा में तीसर का माचिस का डंठी डाल लें। ऐसे ये एगो टी शेप का आकार ले लेला, एक हम लोग टी जॉइंट भी बोले नीजा। ए जोड़ पे 3 गो डंठी जुड़ा लूँगा। यही तरह आप लोग अपने बनाए हुए त्रिकोण के कोना में सुई से 3 गो छेदा कर लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह। और 3 गो छेदा बनने के बाद अपन टी जॉइंट का 3ों डंठी ये 3ों कोना के अंदर डाल ले ताकि अपन एगो बहुत ही अच्छा टेट्राहेड्रन बन जाए। आप लोग देख सके नीचे टेट्राहेड्रन कैसन दिखेला, बच्चन के ही समझाए में आसान भी होगा। ऐसन कहले पे अगर हम लोग एक अंदर मार्बल या कांच का गोटी रखन जाता है, ये आप लोग मिथेन का अणु स्ट्रक्चर परमाणु स्ट्रक्चर देख सके नीचे और समझ सके नीचे। यही तरह हम लोग प्रिज्म और क्यूब भी बना सके नीचे। काहे कि ये सब में 3 गो डंठी का जोड़ लगेला। अब हम लोग 4 का जोड़ बना के सीखा जाए। ये कैसे बनाया जाला, पहले एगो रबर ट्यूब सुई में डाल लें, ओकरे बाद दूसरा रबर ट्यूब के अंदर से वो सुई जाए दें। ऐसा कहले के बाद दूसर का वाला रबर ट्यूब के बाएं और दाएं खींच लें ताकि अंदर का छेदा तनी फैल के फट जाए। ऐसा कहले के बाद अपन क्रॉस वाला रबर ट्यूब के सीधा वाला रबर ट्यूब के ऊपर खींच के बिठा लें। आप लोग देख सकें जाए प्लस के साइन के जैसन बनेला। ऐसे आप लोग पिरामिड बना सके नीचा, 4 का जोड़े में ऊपर दिखत है। ए पिरामिड के क्यूब पे रख के आप लोग घर बना सके नीचा। यही तरह आप लोग ऑक्टाहेड्रन बना सके नीचा, जिनमें 2 गो पिरामिड आगे पीछे लगल भैल हुआ। यही तरह ऑक्टाहेड्रन के तीनों तरफ आप लोग 3 गो पिरामिड रख सके नीचा और एगो ऊपर भी रख सके नीचा। आप लोग देख सके नीचा कैसे ये तरह हम लोग ऑक्टाहेड्रन पिरामिड सब आजू बाजू में रख सके नीचा। अब 6 को 6 वाला जोड़ बनाए खातिर आप लोग 4 वाला जोड़ के ऊपर वही तरह एगो और ट्यूब सुई के ऊपर डाल लें और ओके वापस से फैला के बीच वाला ट्यूब के ऊपर खींच लें। आप लोग देख सकते नीचे के तरह। ऐसन कहले पे ये अंग्रेजी अक्षर एच के जैसन दिखेला। ऐसन कहले पे एगो छोट माचिस का डंडी एगो क्रॉस ट्यूब के अंदर डाल लें, ओकरे बाद ओकर दूसर छोर दूसर का क्रॉस ट्यूब के बीच के छेदा में से डाल लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह। ऐसन कहले के बाद आप लोग माचिस का कांडी निकाल लें और आप लोग देख सके नीचे कि इनमें 6 गो कोना वाला हम लोग ज्वाइंट बना लें जा। ये तारा के जैसन दिखेला। आप लोग देख सके नीचे ये 6 का जोड़ कैसन दिखता है। आप लोग देख सके नीचे 6 के जोड़ से हम लोग आइकोसा हेड्रन बना लें जा। ये कितना मस्त दिखेला। एमए आइको का मतलब 20 हवे, तो ये 20 गो त्रिकोण से बनल भइल आकार हवे हवे ना। ये बहुत ही मजेदार प्रयोग।